भी जिस तरीके से पर्ची सरकार इनको जो आदेश दे रही है, पुलिस प्रशासन भी उसी आदेश की पालना कर रहा है, क्योंकि कि या तो वो माफी मांगे या फिर वो राजस्थान से दफा हो जाए। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और लड़के भाजपा के नए प्रभारी राधा मोहन जी के द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ में यहां से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राधा मोहन जी की एक उन्होंने अर्थी भी लगाई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस अर्थी को ये भाजपा प्रदेश कार्यालय तक लेकर जाएंगे। आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? जिस तरीके से बीजेपी प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जी ने जिस तरीके से हमारे नेताओं पे अनर्गल टिप्पणी की है, आदरणीय अशोक गहलोत जी पे, सचिन पायलट जी पे और हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, उनके ऊपर जो इन्होंने अनर्गल टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेके यहाँ पे युवाओं में आक्रोश है। और जिस तरीके से उन्होंने बोला है, हम जवाब देना चाहते हैं कि या तो वो माफ़ी मांगे या फिर वो राजस्थान से दफा हो जाए। अब यहाँ से आपने भाजपा प्रदेश कार्यालय तक का एक मार्च का आपने आह्वान किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आपको यहीं पे रोक दिया है। पुलिस प्रशासन भी जिस तरीके से पर्ची सरकार इनको जो आदेश दे रही है, पुलिस प्रशासन भी उसी आदेश की पालना कर रहा है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर परिवार के किसी सदस्य पे अगर कोई अनर्गल टिप्पणी की जाए, इनके किसी ऑफिसर पर अगर अनर्गल टिप्पणी की जाए, तो पुलिस प्रशासन चुप बैठेगा क्या? वही हमारा हाल है, हम यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे। हमारे नेताओं के खिलाफ अगर कुछ भी गलत टिप्पणी की जाएगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। ये थी पूजा भार्गव जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे नेताओं के खिलाफ अगर कुछ भी अनर्गल टिप्पणी होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। और इसी विरोध स्वरूप यूथ कांग्रेस के ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने राधा मोहन की जो एक हम कह सकते हैं कि जो एक अर्थी एक बनाई थी, उसको ये लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको यहीं पर रोक दिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि उस अर्थी को ये जलाने भी वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको यहाँ पर रोक दिया है। कुछ हल्की फुल्की झड़प भी इनकी यहाँ पर हुई थी, क्या कहना चाहोगे आज आप यहाँ प्रदर्शन कर? मैं राजस्थान यूथ कांग्रेस का मीडिया प्रभारी होने के नाते कहना चाहता हूँ कि जो राधा मोहन जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल अशोभनीय है। उन्होंने सचिन पायलट व राजीव गांधी व अशोक गहलोत जी के लिए बयान दिया है, और अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश के युवाओं के दिल की धड़कन है। और साथ ही तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी पुलिस से झड़प भी हुई है, और इस झड़प का अंदाज़ा आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर इस प्रदर्शन को रोकने आया था, उसकी यूथ कांग्रेस द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उनसे हल्की झड़प भी हुई है। बात देख सकते हैं आपकी बढ़ने की नौबत आ रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इनको यहां से आगे नहीं जाने देना चाहता है, और साफ बात है इसीलिए इनको यहां पर रोका जा रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? या तो राधा मोहन अग्रवाल माफ़ी मांग ले, यूथ कांग्रेस पर, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पर अगर आ चाहती है तो उसके आती लहराने का काम या युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। तो आपने देखा किस प्रकार से ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ से अगर हमें आगे जाने नहीं दिया जाता तो हम हमारे इस आंदोलन को और भी उग्र करेंगे। और आज ये यहाँ पर इस उद्देश्य से बैठे थे कि यहाँ से अपना एक विरोध दर्ज करवाएंगे राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ, और उसके बाद यहाँ से उनकी एक अर्थी लेकर जाएंगे भाजपा प्रदेश कार्यालय तक। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर ही दबा दिया गया है। पुलिस प्रशासन की सख्ती है यहाँ पर, इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। कांग्रेस के जो ये यूथ कांग्रेस के जो ये कार्यकर्ता है इनके ऊपर हल्का बल प्रयोग भी किया जा रहा है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं वहाँ पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनका ये जो प्रदर्शन है, क्या इस प्रदर्शन की गूंज भाजपा सरकार तक पहुंचेगी, राजस्थान भाजपा के नए प्रभारी राधा मोहन जी के कानों तक पहुंचेगी, क्योंकि इन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी हम सुनने नहीं वाले, और अगर आप जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इसी प्रकार से हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर,
जनता दरबार।